तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज फिर मैं आई हूँ आप लोग के लिए एक खास रेसिपी लेके, जो ना लंच है और ना ब्रेकफास्ट है, दोनों का मिक्स है, जो हम ब्रंच बनाएंगे, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी कुछ खाने का मन नहीं करता है, ना सब्जी, ना रोटी, ना चावल, ना दाल, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे में बनाते हैं कुछ अच्छी और हेल्दी रेसिपी, जो खाने में तो अच्छी लगती है, टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है और मज़ेदार होती है, आपके स्वाद को भी ठीक करेगी और आपके हेल्थ को भी फायदा पहुंचाएगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे उबल रहा है मेरा दूध, जिसको मैं बंद कर देती हूँ। ध्यान मेरा पूरा दूध की तरफ है, नजर हटी और दूध नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी वीडियो दिखाती हूँ मैं कि क्या बना रही हूँ। तो देखिए, रेसिपी के लिए हमने ले लिया है सामान, जिसमें मैंने लिया है एक खीरा, दो टमाटर, एक प्याज, थोड़ा नींबू और लिया है बीट। इसमें से जितना चाहिए होगा हम उतना काट लेंगे। तो चलिए छीलते हैं साथ साथ में और साथ साथ में बातें करेंगे, साथ साथ में कटिंग करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि प्लीज पूरी वीडियो देख के जाइएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी, टेस्टी, हेल्दी होने वाली है और जिसको खा के बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बीट को छील लेते हैं। आज ब्रंच है तो कुछ खाने का मन नहीं था, पर खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाती है। तो उसके लिए हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो टेस्टी, हेल्दी और खाने में भी मज़ेदार रहे और हमारी हेल्थ को भी फायदा पहुंचाए। सभी को धो लेते हैं अच्छे से और साथ में कट कर लेंगे। आप लोग को बताऊं, मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं और ये जो चॉपर है हमारा, जिससे मैं सब्जियां काट रही हूँ, ये 25 साल पुराना है। ये मेरी शादी का है। ये इधर बास्केट थी, जो बास्केट टूट गई हुई है। तो देखिए, खीरा हमने कट कर लिया है। अब हम बीट को भी इसी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसका जो ब्लेड है इतना शार्प है कि अगर जरा सी भी गलती से उंगली नीचे आई और ये कट हो जाएगी। और आप विश्वास करेंगे, ये मैंने एक बार भी 25 सालों में एक बार भी इसको मैंने तेज नहीं करवाया है, एज इट इज है। बस जो इधर बास्केट थी वो टूट गई है इसकी, बाकी एज इट इज रेगुलर मेरे यूज में आता है और मैं रेगुलर इसको यूज करती हूँ, इससे काम करती हूँ। और कितनी ही अच्छी चीजें होती हैं, पर आजकल के टाइम में ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं। सही बात है, आजकल तो चीजें हैं, अगर एक महीना भी यूज हो गई तो समझो आपके पैसे वसूल हो गए। तो टमाटर को तो मैं हाथ से ही कट कर लूंगी इसी से, क्योंकि ब्लेड से तो क्या है
उसका जो रस है वो निकल जाएगा, ज्यादा वेस्ट चला जाएगा। और टमाटर जो है फिस जाएगा उससे। तो आजकल मेरी रेसिपीज थोड़ी कम आ रही हैं क्योंकि नहीं शूट कर पा रही हूँ, कुछ माहौल ऐसा हो गया है, कुछ तबीयत ऐसी हो गई है, उस वजह से थोड़ा। तो प्लीज़ थोड़ी छोटी 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 वीडियोस में डालती हूँ और हेल्दी और टेस्टी वाली। तो जैसे ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए ज़रूर लाऊंगी। मैं अभी भी अच्छी अच्छी लाती हूँ पर थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ हो जाती हैं, और पर आप लोग बोलेंगे अच्छा है ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, लोग बोर हो जाते हैं। तो देखिए सभी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। आपको खीरा या बीट और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, मैं खीरा डाल देती हूँ इसमें, और क्योंकि बेटे को पसंद है, वो खीरा बहुत खाता है। देख रहे हैं कितने जल्दी से और फटाफट एकदम बारीक हमारा सब्जियां कट जाती हैं इससे। तो अब आती है प्याज की बारी, तो इसको भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं। बीज का पार्ट जरूर निकाल देंगे जो जड़ का होता है। चलिए देखिए 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी सारी सब्जियां कट के तैयार हो गई हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक चॉपर में करती तो इसका सारा जूस जो था निकल जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। तो अभी आप देखिए अभी सब सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे, जो भी हमने सब्जियां कट करके रखी हैं, खीरा, बीट, टमाटर, और प्याज, एक चीज तो रह ही गई जो इसमें हम डालेंगे, जो थोड़ा इसको स्पाइसीनेस देगा और चटाकेदार आएगा टेस्ट उससे। तो डाल लेती हूँ, लाती हूँ मैं 2 मिनट में। तो ये है हमारी हरी मिर्ची, इसके बिना तो टेस्ट नहीं है, और ये बिल्कुल तीखी वाली नहीं है, और एक मिर्ची के मैं 4 पार्ट करूंगी और इसको बारीक बारीक हम बीच में कट करके डाल देते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, ऐसा ना हो कि थोड़ी भी तीखी हो, पर तीखी नहीं है, स्मेल तो नहीं आ रही है।
अब हम डालेंगे इसमें एक स्पेशल चीज जो इसको और ज्यादा हेल्दी बना देगी, जो है उबले हुए काले चने। काले चने भी बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं, क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं। देखिए मैंने गोल्ड वाले चने यूज करती हूँ, रात को मैंने भिगो दिए थे और सुबह मैंने उबाले थे। बहुत जल्दी ये गल जाते हैं रात को भिगोने से, और आप देख सकते हैं कितना ही मोटा दाना है। और अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, स्वादानुसार नमक, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए और बहुत फायदेमंद भी होती है, तो इसलिए काली मिर्च का यूज आप जरूर करें। थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी आमचूर पाउडर, और अब हम डाल देंगे इसमें, निचोड़ देंगे नींबू। अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक शायद थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। तो देखिए कितना ही टेस्टी यम्मी और हेल्दी वाला हमारा ब्रंच बनके तैयार है। ये आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, आपको हेल्थ भी अच्छा देगा, पूरा पौष्टिकता देगा और यम्मी सा फ्लेवर भी देगा, जो खाने में बहुत अच्छा है। एक चीज की कमी है जिसको फेंक के मारते हैं, जिसे कई बार बताते हैं ना, धनिया फेंक के मारने का। तो धनिया की कमी थी तो डाल देते हैं हरा धनिया और अच्छे से मिला देते हैं। और ये हमारा टेस्टी और हेल्दी ब्रंच बनके तैयार है। तो चलिए कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइए। आ रहा है ना मुंह में पानी, खाने का मन हो रहा है ना? ऐसा टेस्टी खाना हो तो किसको ना अच्छा लगे, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और टेस्ट में भी मजेदार हो। तो चलिए कर देते हैं इसको सर्व। जबरदस्त टेस्ट वाला चलिए फिर मुझे बताइए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। चलिए दोस्तों मुझे जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी, हेल्दी टेस्टी और यम्मी वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए और आने वाली सभी वीडियोस को एंजॉय करिए। मिलते रहेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक लेकर आते हैं बाय बाय। और उससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें जिनको खाना बनाना, पकाना, खिलाना और खाना अच्छा लगता हो। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।